दोस्तों आज बनाएंगे सूजी से इतना टेस्टी हेल्दी नाश्ता। इसे खाने के बाद आप इडली डोसा भी खाना भूल जाएंगे और इसे बनाएंगे बिना तेल के, एकदम स्पंजी और सॉफ्ट। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, एक बार इसे बनाकर खाएंगे तो इडली डोसा भी खाना भूल जाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर लेना है एक कटोरा और उसमें डालेंगे एक कप सूजी। सूजी मोटी हो या पतली कोई भी आप ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा दही। तो दही जब भी ले, फ्रेश दही ले, ताज़ी दही ले, और अगर खट्टी वाली दही है तो थोड़ा सा दही कम ही इसमें डालें। और दही डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए अभी गाढ़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 2 से 3 चम्मच के लगभग। और पानी डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो दही में भी पानी डालकर इसे मिक्स कर सकते हैं और इसे लगातार मिक्स करते रहेंगे ये। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेना है। तो इसे देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और 10 मिनट के बाद ये और भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और एकदम अच्छी तरह से ये फर्मेंट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें डालेंगे 1 पीस बारीक कटा हुआ प्याज, 1 पीस बारीक कटा हुआ टमाटर जिसके बीज निकाल कर लेंगे, और 2 चम्मच तक डालेंगे बारीक कटा हुआ गाजर, 2 चम्मच हरी मिर्च और 1 चम्मच के लगभग अदरक और बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता डालेंगे। इस नाश्ते में बहुत ही कम मसाले यूज करना है। 1 चम्मच डालेंगे नमक, तो नमक जब भी डालेंगे अपने स्वाद अनुसार ही डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इस नाश्ते को बनाने में ना ही बेकिंग सोडा ना ही बेकिंग पाउडर यूज करना है। एकदम फूले फूले और एकदम स्पंजी नाश्ते बनेंगे। इसके लिए इसमें डालना है 1/2 चम्मच डालेंगे इनो। तो इनो जब भी लेंगे तो लेमन फ्लेवर वाला ही लेंगे और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे पानी ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो सके। और इसे दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब भी इनो इसमें डालेंगे तो इसे ज़्यादा देर नहीं बाहर रखना है। इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसे तुरंत ही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से घोल एकदम तैयार रहना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा ना ही ज़्यादा पतला। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए एक छोटी सी थाली लेना है या फिर किसी कटोरे में भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा तेल डालकर इसे चारों तरफ से लगा लेंगे। इस तरह से लगाने के बाद इस बैटर को प्लेट में डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए घोल जब भी बनाएं तो इसी तरीके से बनाएं, और घोल को डालने के बाद इसे चम्मच से चारों तरफ से फैला लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसे फैला लिए हैं। तो इस नाश्ते को बिना तेल में ही बनाना है और यह नाश्ता बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनता है। थाली में डालने के बाद इसे चारों तरफ से फैला लेंगे, और फैलाने के बाद दोनों हाथों से इस तरह से हल्के हल्के इसे थोड़ा सा ठोक लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो सके। अब यहाँ पर लेना है कढ़ाई में 2 गिलास से 3 गिलास तक पानी, और इसके ऊपर रख देंगे एक स्टैंड और इसके ऊपर रख देंगे बैटर वाला थाली, और इसे ढक देना है और 10 मिनट तक इसे भाप से ही पका लेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद देख लेते हैं कि ये अच्छी तरह से पके हैं या नहीं। यहाँ पर ढक्कन को निकाल लिए हैं और एक कांटे वाले चम्मच से इसे चेक कर लेंगे या फिर टूथपिक से चेक करें, इसके अंदर थोड़ा सा दबाकर देख लेंगे। अगर इस चम्मच में नहीं लगेगा या फिर टूथपिक में नहीं लगेगा तब समझिए कि अच्छी तरह से पक गए हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ताकि देखने में ये ज़्यादा खूबसूरत लगे, और बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते जिससे स्वाद बढ़ जाए। धनिया के पत्ते डालने के बाद इसे ढक देंगे और धनिया के पत्ते अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद निकाल लेंगे। और यहाँ पर लेना है एक चाकू, और चाकू से किनारे साइड इस तरह से थोड़ा सा छुड़ा लेना है। अब इसके पीसेस करने हैं तो इसे पहले 4 पीसेस में काट लेंगे। यहाँ पर देखिए तो ये नाश्ता एकदम स्पंजी बने हैं, और यहाँ पर देखिए इसे काटते वक्त एकदम टूट नहीं रहे हैं। तो इसे जब भी काटें तो थोड़ा सा ठंडा कर ही काटें, गर्मा गर्म में काटेंगे तो ये टूटने लगेंगे। तो
इसे मीडियम पीसेस में काट लिए हैं। एक छोलनी से इस तरह से नीचे से हल्के से छुड़ा लेना है। अब इसके पीसेस निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए एकदम स्पंजी है, तो इसे हल्के हल्के हाथों से ही निकालेंगे। और यहाँ पर देखिए एकदम स्पंजी, सुपर सॉफ्ट और एकदम जालीदार नाश्ता बनकर तैयार है, वो भी बिना तेल के। तो इसके आगे तो इडली डोसा भी हो जाएंगे फेल। एक बार आप सूजी से बने हुए इस नाश्ते को जरूर बनाएं और इसे सर्व करेंगे टमाटो केचप के साथ या फिर अपनी मनपसंद चटनी के साथ खाएं। और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला यह नाश्ता, एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं, घर में सभी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एकदम जालीदार स्पंजी और बहुत ही नरम मुलायम, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो इसे तोड़कर दिखाते हैं कि कितना ये सॉफ्ट और एकदम जालीदार है। इसे आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ खाएं या फिर टमाटो केचप के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।